हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत की ये महत्वपूर्ण झीलें ट्रैक से करेंगे और फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सी झीलें ऐसी हैं जो कई बार और लगातार बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आप उसको अच्छे से समझ लें। क्लास को सब अपन ट्रैक से करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को फ्रेंड्स अपन ऐसे इमेजन करेंगे दो चीज़ों से। इसमें देखिए जम्मू से जम मतलब जमना, मतलब कोई चीज स्थिर है। आपको यहाँ से समझना है जो जम्मू कश्मीर है, इसमें से एक बार निकालना है जमना, मतलब कोई स्थिर है, बहुत बड़ी चीज है, स्थिर है। यहाँ से निकालना, कश्मीर से निकालना है फ्रेंड्स अमीर। कश्मीर से निकालना है अमीर, वो आप वैसे भी जानते हैं कश्मीर बहुत स्वर्ग कहा जाता है इंडिया का, तो वहाँ पे बहुत सारे अमीरी लोग रहते हैं, तो कश्मीर से अमीर निकालना है बैट, तो इसको आपको माइंड में सेट किए रहना। इन्हीं दो बैटों से फ्रेंड्स अपने जो सब जो झीलें हैं पांच छः, उसमें से आपको सब रिलेट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, पहला है डल। डल झील जो है इसको याद रखनी, डल को ऐसे रिलेट करें आप, जैसे डल है, डल मतलब डोलना, डल से बना लेना डोलना। डोलना का मतलब हिलना डोलना, मतलब वो चीज बिल्कुल स्थिर है, वो हिल नहीं रही है, तो ये डोलना डोलना लिखेंगे इसको, डल से डोलना, मतलब जो है डल है हिल डोल नहीं रही है। वो कौन हिल डोल नहीं रही है? जो जमना, जो चीज जमेगी, जो चीज स्थिर रहेगी वो हिलेगी डोलेगी नहीं। तो वहीं से रेट करना है कि जो चीज जमी हुई है या जो चीज स्थिर है वो हिलेगी डुलेगी नहीं या डोलेगी नहीं। दूसरा है फ्रेंड्स बुलर झील। बुलर झील भी फ्रेंड्स कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। इसको फ्रेंड्स ऐसे याद रखें, एक बुलर का फूल होता है, आपने कभी नाम सुना होगा, बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है बुलर का फूल, मतलब एक दो साल में एक बार होता है। तो जो बुलर का फूल है वो किसके पास आएगा? अमीर लोगों के पास। भाई जैसे आप ऐसे समझे, जैसे कोई भी चीज़ रेयर केस में हो तो वो अमीर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, तो वो जो बुलर का फूल है दो तीन साल में एक बार आता है, तो वो हर आदमी तो खरीद नहीं सकता, इसलिए जो बुलर का फूल है वो कौन खरीदेगा? अमीर आदमी, तो अमीर से आ जाएगा कश्मीर। देखिए फ्रेंड, जितने भी जो नाम हैं वो सब कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। आप एक बात ऐसे याद रखें, जैसे जितने भी नाम से जो झील है वो सब जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ भी आता है और अमरनाथ में रहते शंकर जी, इसलिए सभी जो नांग हैं वो कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर। जितने भी नांग हैं इंडिया के, जितने भी नाम से झीलें हैं वो कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं बेरी नांग झील। फ्रेंड इसमें भी नांग है, तो सबसे पहले नांग देख के तो आप जम्मू कश्मीर जाइए, क्योंकि अमरनाथ जो है शंकर जी का स्थान है बेरी अमरनाथ, वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो नांग आपको दिख जाए तो जम्मू कश्मीर याद आ जाना चाहिए। यदि आपको रिलेट करना है इन दो पार्ट से, देखिए फ्रेंड्स बेरी नांग है, बेरी मीन्स होता है दुश्मन और नांग मीन्स नाग, तो जो बेरी दुश्मन के ऊपर नांग की तरह कौन बैठता है? अमीर लोग। कोई एक गरीब व्यक्ति है उससे छोटी सी भूल हो जाए तो जो बेरी है दुश्मन के ऊपर नांग की तरह अमीर लोग बैठते हैं, तो अमीर लोग दुश्मन के ऊपर बेरी के ऊपर नांग की तरह बैठ जाते हैं। मानस बल झील है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में, इसको याद से याद रखें। देखिए अमीर कौन होगा? मानव। सिंपल सी बात है, अमीर कौन होगा? मानव, और जो अमीर होगा उसी में होगा बल, तो मानस बल। नेक्स्ट फ्रेंड्स शेषनाग। इसमें भी देखिए फ्रेंड्स नांग है, तो आपको नांग देखने से तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हमारे अमरनाथ जो है जम्मू कश्मीर में है, तो जो शेषनाग है वो कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर में। या फिर इसको यहाँ से याद रखें, जो शेषनाग है आपने कभी सुना होगा, यहाँ से शास्त्र कहते हैं अपने कि जो शेषनाग है उनके ऊपर क्या रखी है? पृथ्वी। अब पृथ्वी रखी है तो वो क्या नहीं हो रहे हैं, मतलब एक जगह टिके हुए हैं, शेषनाग एक जगह टिके हुए हैं, हिल डुल नहीं रहे हैं, स्थिर है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जमना से आ जाएगा, जमना का मतलब हो जाएगा स्थिर, जमना मतलब स्थिर, जम्मू कश्मीर जमना मतलब स्थिर। तो शेषनाग कैसे हैं? जमे हुए हैं, एक जगह जमे हुए हैं,
तभी उन पर पृथ्वी रुकी हुई है। तो शेषनाग एक जगह जमे हुए हैं, जमे से आ जाएगा जम्मू कश्मीर। अनंत नाग झील, देखिए जो शेषनाग है वो अनंत ब्रह्मांड में फैले हुए, मतलब इतना विशाल का शरीर है उनका, जो अनंत नाग है मतलब अनंत ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, तभी इतनी बड़ी पृथ्वी रखी हुई। आसान काम नहीं है कि छोटे से नाग पे आ जाए, तो वो जो शेषनाग है बहुत ही ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, बहुत ही विशाल है। तो अनंत नाग मतलब अनंत नाग है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत नाग है। तो अनंत नाग से आ जाएगा, और जो शेषनाग अनंत नाग, अनंत कौन है? शेषनाग। और शेषनाग कैसे है? स्थिर है, जमे हुए हैं। तो इन दोनों को रिलेट करेंगे कि जो शेषनाग है वो अनंत नाग है, मतलब अनंत में फैले हुए हैं और जमे हुए हैं, स्थिर हैं। तो अनंत नाग भी आ जाएगा जम्मू कश्मीर से। नागिन, नागिन में फ्रेंड्स नाग है, और नाम को देख के आपको जम्मू कश्मीर याद आ जाएगा क्योंकि अमरनाथ है। और यदि आपको करना है तो जो शेषनाग है उसकी एक नागिन भी होगी, आपने देखा होगा जैसे राजा रानी होती है, इसी तरह शेषनाग की भी नागिन होगी। तो यहीं से याद हो जाएगा कि शेषनाग की नागिन जो है वो टिकी हुई है, स्थिर। नेक्स्ट है फ्रेंड उत्तराखंड। उत्तराखंड की फ्रेंड सबसे अच्छी ट्रैक है जहां आपको ताल दिख जाए, मतलब झीलों के नाम में जहां आपको ताल दिख जाए। देखिए नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नौगुछिया ताल और खुरपा ताल। तो जहां भी ताल दिख जाए तो वो सब कहां जाएंगे? उत्तराखंड में। इसे आपको याद रखना है कि जहां पर ताल दिख जाए तो वो कहां जाएंगे? उत्तराखंड में। तो नौगुछिया ताल, खुरपा ताल, माला ताल, राकस, नैनी और देवता, सब में ताल लगा हुआ है। इतनी ही है उत्तराखंड में, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इसके अलावा आना, ये सब कहां पे है? उत्तराखंड में। और इसमें नैनीताल कई बार पूछी गई है फ्रेंड्स, और ये देवताल और खुरपा ताल एसएससी में पूछी गई है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान की बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है देखिए सांभर झील। राजस्थान में फ्रेंड्स एक आपको याद रखना है बैड राजा, ये बैड याद रखना है राजा, राजस्थान में राजा। देखिए सांभर जो आपने इडली डोसा खाया होगा उसमें क्या रहता है? सांभर। वो जो सांभर है बहुत महंगी, आप में ऐसे समझे कि बहुत ही वो स्पेशल डिश है। जो स्पेशल सांभर जो डिश है वो कौन खाएगा? राजा खाएगा। जो स्पेशल सांभर डिश है कौन खाएगा? राजा खाएगा। नेक्स्ट है राजसमंद। तो फ्रेंड्स राजस्थान में भी राज है और राजसमंद में भी राज है, तो देखो इसी से जी रिलेट हो जाएगी कि राजस्थान और राजसमंद। नेक्स्ट है पिछोला। पिछोला को याद रखेंगे फ्रेंड्स, उसमें से एक बार निकाल लेंगे पीछे, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स पिछोला, और इसमें से एक बैड निकाल लेंगे पीछे। अब यदि दुश्मन के पीछे कौन पड़ेगा, मतलब आपके पीछे कौन पड़ेगा? जो राजा, यदि राजा के राज्य में किसी ने बुरा काम कर दिया तो वो सीधे उसके पीछे पड़ जाएगा। तो पिछोला पीछे पड़ जाएगा, पिछोला पीछे कौन? राजा। नेक्स्ट है फ्रेंड डीडवाना। डीडवाना झील फ्रेंड्स राजस्थान में है, इसको आप बहुत अच्छे से समझें। जैसे डीडवाना मतलब ढीठ बन के वन में गया, ढीठ बन के वन में कौन गया? राजा। काहे के लिए? राजा गया शिकार करने के लिए। इसको आप ऐसे रीड करने, जो राजा दशरथ जी थे तो वो क्या गए थे? जो डेली वन में जाते थे शिकार करने के लिए और जानवरों की हत्या करते थे। तो यहाँ से ढीठ बन के, मतलब उनको बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं वो मना भी करते थे फिर भी नहीं मानते थे। तो ढीठ बन के वन में जाते थे कौन? राजा। जो राजा से याद आ जाएगा राजस्थान। ये है लोनक रन सी, लोनक रन सर झील है फ्रेंड्स राजस्थान में। लोनक रन सर झील है राजस्थान में, इसको याद रखने की फ्रेंड्स ट्रिक है। देखिए रन, यहाँ से रन आप याद रखें, और जो रण कहाँ पे है? राजस्थान में। रण रण
मूल रेगिस्तान, रण का तो रेगिस्तान है तो रण, रण का रेगिस्तान राजस्थान में। दूसरी चीज है लू, और सबसे ज्यादा लू कहाँ पे चलेगी? राजस्थान में, क्योंकि वहां है रेगिस्तान। तो एक तो आप लू से याद रख सकते हैं या रण से भी याद रख सकते हैं, तो रण या रण कहाँ पे है? राजस्थान में, क्योंकि वहां पे है रेगिस्तान। और दूसरी चीज है लू, तो लू सबसे ज्यादा कहाँ चलेगी? जहाँ पे रेगिस्तान होगा, राजस्थान। जैसमंद झील, जैसमंद झील फ्रेंड्स इसमें बैठ छुपा हुआ है जय, और जय से रिलेट करना है राजस्थान, वो राजा, तो राजा की हमेशा क्या होगी? जय। और राजा जिस युद्ध में जाएगा वो फतह करके आएगा, मतलब जीत के आएगा। तो आपको इस तरीके से रिलेट करना है, राजा जिस युद्ध से आएगा, जिस जो भी युद्ध लड़ेगा वो फतह करेगा, उसकी जय होगी। तो जैसमंद झील और फतेह सागर झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड दो तीन जिलों राज्य हैं, इसमें से बहुत ज्यादा झील हैं, तो इसमें से आप बहुत अच्छे से याद रख लें और कंफ्यूज ना हो। इसी में ज्यादातर राजस्थान की और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की पूछी जाती है, पूछी सब जाती हैं और सब पूछी भी गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, मणिपुर जो है, मणिपुर में एक लोकटक झील बहुत बार पूछी गई है। मणिपुर की जो लोकटक झील है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, SSC में और जो अदर राष्ट्र एग्जाम है उसमें। तो मणिपुर से याद रखें फ्रेंड्स, देखिए मणि जहाँ आपको मिल जाए, इसमें से यहाँ से याद रखें, जहाँ मणि आपको दिख जाए, तो जो लोग हैं, लोग लोग से लोग टक निहार के देखेंगे, कहते हैं एक टक तुम देख रहे हो, किसी लड़की को तुम अगर कोच में देखोगे तो उसको देख नहीं रहे होगे एक टक। तो वहीं से आपको निकालना है कि जो मणि है, यदि तुम्हें मणि दिख जाए तो तुम उसको लोग जो है एक टक देखते हैं, मतलब लोगों फोकस करके देखेंगे मणि को। तो यदि मणि दिख जाए तो लोग एक टक लगा के देखेंगे, तो वहां से आ जाएगा लोकटक। मणिपुर में कौन सी है? लोकटक। नेक्स्ट है तमिलनाडु और पुलिकट। देखिए पुलिकट में छुपा हुआ फ्रेंड्स पुल कट गया, पुल कट, तो पुल कट गया। अब पुल जहां से जिस गांव को जोड़ने के लिए पुल है और वो कट गया, तो वहां का जो एक आदमी है जिसने सबसे पहली बार पुल देखा, तो वो कहां सब पूरे गांव से मिलेगा, तो ये पुल कट गया है, तो मिलेगा से मिलते से आ जाएगा तमिलनाडु। देखिए इसमें फ्रेंड तमिलनाडु में मिल बैठ छुपा रहता है। तो पुलिकट से पुल कट गया, और पुल कटने के बाद वो तुरंत गांव वालों से मिला, तो तमिलनाडु। और पुलिकट फ्रेंड्स और झील जो है, जैसे बहुत छोटी झील तो है नहीं, तो उसका आकार इतना बड़ा है कि थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में भी आ जाता है। तो आंध्र प्रदेश में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, वैसे एग्जाम में तमिलनाडु दे के ही पूछेगा। नेक्स्ट है तेलंगाना हुसैन सागर जी। हुसैन सागर फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बच्चे क्या करते हैं इसको या तो राजस्थान लगा के आते हैं, क्योंकि हुसैन सागर नाम से राजस्थान में ये कुछ चीज है या शायद कोई तालाब है, तो उसको लगा के आते हैं। तो राजस्थान नहीं लगाना है, ना ही उत्तर प्रदेश। हुसैन सागर जो है तेलंगाना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और आपको यहाँ से याद रखना, देखिए हुसैन सागर लिखा है, तो हुसैन सागर में लिखा हुआ है हुसैन, और आपने तानसेन का नाम सुना ही होगा, तो हुसैन और तानसेन नाम मिलता जुलता है। और तानसेन जो थे क्या गाते थे? गाना गाते थे। तानसेन क्या गाते थे? गाना गाते थे। तो हुसैन सागर मतलब तानसेन, और तानसेन क्या गाते थे? गाना गाते थे। एक चीज और आप याद रख सकते हैं, जैसे इसमें छुपा हुआ तेल, अब जो तेल है वो सागर में डूबेगा नहीं, तेल जो है सागर में डूबेगा नहीं, और सागर से कोई भी झील का नाम नहीं आया है, तो आप इसमें कंफ्यूज भी नहीं हो सकते हैं। तो तेल जो है सागर में डूबेगा नहीं, तो हुसैन सागर जी इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेंड, देखिए यहाँ पर कम जगह है, हमने इंग्लिश में लिखी हुई है राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू, कोलेरू झील फ्रेंड्स आपको ऐसे याद रखें, जैसे आंध्र प्रदेश मतलब अंधा है, कोई व्यक्ति कैसा है? अंधा है। तो अंधे व्यक्ति को कोलेरू कौन ले जा रहा, कौन लेगा, कौन को लेरू कौन ले जाएगा। जैसे आप लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, वो एक अंधा व्यक्ति है, तो वो कह रहा है हमें भी चलना है, तो हम उसे बोल रहे हैं, अपन बोलेंगे उसे भाई तुम जाओगे कैसे, तुम तो अंधे हो, कौन लेके जाएगा,
को से आ जाएगा कौन, ले से ले, रू से जाएगा, तो कौन लेके जाएगा। आंध तुम लोग अंधे हो तो तुम्हें टिकने में कौन देखेगा, कौन संभालेगा, तो आंध्र प्रदेश, तो जो आंध्र प्रदेश है कोलेरू झील है, कोलेरू से जाए कौन लेके जाएगा, तो कौन लेके जाएगा किसको, अंधे को। इसमें फ्रेंड्स पुली का भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत हिस्सा रहता है, यदि ऑप्शन में आएगा तो दोनों मिला के आएगा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, या फिर ज्यादातर तमिलनाडु ही आता है। नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा में फ्रेंड्स चिल्का झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा में उड़ी छुपा हुआ है, उड़ी मतलब उड़ना, और कौन उड़ेगा, चील से चील, तो जो चील है वो उड़ती है, तो इस तरीके से आपको याद आ जाएगा कि उड़ीसा में उड़ी बैठ छुपा हुआ है और चिल्का में चील, तो चील उड़ती है, तो चिल्का से आ जाएगा उड़ीसा। देखिए फ्रेंड्स महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोनार झील, लोनार को ऐसे याद रखना है फ्रेंड, देखिए ये गाड़ी जाती है लूनर, और जो लूनर है वो कौन खरीदेंगे, महान लोग, महान से महान लोग, महाराष्ट्र राष्ट्र है, तो जो महान लोग होंगे वो क्या खरीदेंगे, लूनर, लूनर एक गाड़ी आती है, आदित्य अब उसका मॉडल वॉडल सब बंद हो चुका है, तो लूनर जो है कौन खरीदेंगे, महान लोग, तो लूनर झील, लोनार झील है वो महाराष्ट्र से आ जाएगी। फ्रेंड्स एक राज्य और बचता है अपना केरल, उसमें भी तीन चार झील हैं, तो अब उसको भी आप देख लें। ठीक है फ्रेंड्स केरल है, आप ये भी लिख लें अच्छे से, इम्पोर्टेंट भी है केरल में। फ्रेंड्स एक झील है वेम्बनाड, वेम्बनाड, दूसरी झील है फ्रेंड्स अष्टमुदी, अष्टमुदी, मुदी है अष्टमुदी, और तीसरी फ्रेंड्स झील है पेरियार, पेरियार। अब आपको ऐसे याद रखना है, देखिए फ्रेंड्स केरल, केरल को बनना है केला से, या केला से, केला से, तो जो वेम्बनाड है, वेम्बनाड मीस होता है, देखिए वेम्बनाड से निकालना है बैम्बू, बैम्बू, और बैम्बू बोलते हैं केरल, जो केला की लकड़ी, केला में लकड़ी नहीं होती, जो केला के पेड़ होते हैं बांस होते हैं, बांस, तो बैम्बू बोलते हैं बांस को, और जो बेम्बू लकड़ी होती है बेम्बू, वो कैसी उस केला के समान हरी हरी होती है, आपने कभी बांस देखा हो तो वो कैसा रहेगा, बिल्कुल सीधा और हमेशा हरा, क्योंकि वो कभी फलता फूलता तो है नहीं, तो जो बेम्बू है वो केला के समान रहेगा, तो वेम्बनाड जो झील है वो आ जाएगी केरल से। दूसरी है अष्टमुदी, अब आप याद रखें कि अष्ट सिद्धि के दाता कौन है, हनुमान जी, हनुमान जी क्या खाएंगे, केला, हनुमान जी को केला बहुत पसंद है, तो अष्टमुदी से अष्ट सिद्धि के दाता कौन है, हनुमान जी, तो हनुमान जी से आ जाएगा, हनुमान जी क्या खाएंगे, केला, और यहाँ पर छुपा हुआ फ्रेंड्स पेरिया जी, तो जो पेरिया से निकालना है परी, परी और यार, तो परी के यार ने क्या, परी के यार ने क्या खाया, केला, मतलब परी के घर गया, जो उसका यार है दोस्त है परी के घर गया, तो परी की याद ने वहां पर क्या खाया, केला खाया, तो इससे याद आ जाएगा पेरिया, तो पेरिया अष्टमुदी और वेम्बनाड, वेम्बनाड, तो वेम्बनाड केरल में है, अष्टमुदी जो हनुमान जी से आ जाएगी, क्या अष्ट सिद्धि के दाता कौन है, हनुमान जी है, पेरिया परी की याद ने क्या खाया, केला। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज की क्लास कंप्लीट होती है, आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, और फ्रेंड्स अच्छे से रिवाइज करते चलें, और आपको क्लास पसंद आई हो तो फ्रेंड्स शेयर करें क्लास को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।